नमस्कार, मूक्स पाठ्यक्रम में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। गत पाठ्यक्रम में आपने आप, डाप, चाप और ई वर्ग में गी प्रत्ययों के विषय में स्त्रीत्व की विवक्षा में कहने वाले प्रातिपदिकों का पाठ पढ़ा। इस पाठ में हम व्याकरण के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत स्त्री प्रत्ययों में जो अन्य हमारे ई वर्ग में गीप, गीश और उंग और ती प्रत्यय, इन प्रत्ययों से के विधान से किस प्रकार से हम स्त्रीत्व की विवक्षा में शब्द बना सकते हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। गीश के विधायक सूत्र वो तो गुण वचना चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 44वें नंबर सूत्र है, 45वां 48वां भवादिभ्यश्च पुयोदाख्यायाम प्रत्यस्थात् कात् पूर्वस्यात् इत्यापसुपः इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्य नाम आनुक क्रीतात् करण पूर्वात् स्वांगाच्च उपसर्जनात् संयोगवधात् न क्रोडादि बहुचः नख मुखात् संज्ञायाम पूर्वपदात् संज्ञायाम अगह जातेर स्त्री विषयादयोपाधात् इतो मनुष्य जातेः उंगुतः पंगोश्च श्वशुरस्योकाराकार लोपश्च ये वार्तिक है। उरु उत्तर पदा दौपम में संहित सफल लक्षण वाम वामादेशश्च शारंग्रवाद्ययो गीन यूनस्ति ही, इन सूत्रों का यहाँ पर हम पाठ पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम वो तो गुण वचनात् इस सूत्र से हम ये जानेंगे, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 44वां नंबर सूत्र है। यह सूत्र गीश प्रत्यय का विधान करता है स्त्रीत्व की विवक्षा में, उदंतात् गुणवाचिना वा गीश स्यात्। यहाँ पर विकल्पेन गीश की प्राप्ति होती है, लेकिन पद कैसा होना चाहिए? गुणवाची होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? उकारांत होना चाहिए। मृदु, मृदु पद से जब गीश लगाते हैं तो मृद्वी बनता है, क्योंकि विकल्पेन गीश लगता है इसलिए गीश के अभाव अवस्था में यहाँ मृदु उकारांत रूप ही केवल मात्र रहता है। भवादिभ्यश्च में भी गीश प्रत्यय जो है विकल्पेन गीश आता है, बहुपद से जब गीश लगता है भवी रूप बनता है, गीश जब के अभाव में बहुपद बनता है। वार्तिक है कृदिकारात् तिनः, ये रात्रि पद यहाँ पे उदाहरण है। यहाँ पे कृदंत और तिन भिन्न जो शब्द है उससे भी गीश विकल्प से लगता है। जब गीश लगता है तो रात्रि दीर्घिकार रूप बनता है और गीश के अभाव में ह्रस्विकार रात्रि पद बनता है। रात्रि का जब दीर्घिकार बनता है तो इसके रूप नदी की तरह चलते हैं, और जब रात्रि ह्रस्विकार में बनता है तो इसके रूप मति की तरह चलते हैं। एक अन्य वार्तिक है सर्वतो अक्तिन अर्थादित्ये के, इस वार्तिक से भी हमारा गीश प्रत्यय का विधान विकल्प से होता है, शकटी रूप बनता है, ट पे दीर्घिकार होता है जब गीप का विधान होता है, अन्यथा शकटी ह्रस्विकारांत ही रहता है। एक और सूत्र है जिससे हम गीश का विधान करते हैं, वो है पुयोदाख्यायाम, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 48वां नंबर सूत्र है। पुयोग से तात्पर्य है कि पुल्लिंग के योग के होने पर जब स्त्रीवाचक शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर भी गीश प्रत्यय का प्रयोग होता है, यथा गोपी, गोपस्य स्त्री, गोपी, गोपस्य भगनी, गोपी इत्यादि। प्रत्यस्थात् कात् पूर्वस्यात् इद्याप सुपः, यहाँ पर भी जो प्रत्यय में स्थित ककार है उसको उससे पूर्व अकार को इकार हो जाता है। जैसे गोपालक पद है गोपालिका रूप बनता है, अश्वपालक से अश्वपालिका रूप बनता है, सर्विका से सर्वका से सर्विका रूप बनता है, कारक से कारिका रूप बनता है। एक सूत्र है इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनुक, इसमें इंद्रस्य स्त्री इंद्राणी, जब पुरुषवाचक संज्ञाओं को स्त्रीवाचक संज्ञा में बोलना हो और ये इन पदों देवतावाची पदों का प्रयोग हो रहा हो तो भी गीश प्रत्यय से की विवक्षा में हम स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यथा इंद्र से इंद्राणी, वरुण से वरुणानी, इंद्रस्य स्त्री इंद्राणी, वरुणस्य स्त्री वरुणानी, इसी प्रकार भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी इत्यादि रूप हमारे बनते हैं।
कृतात् करण पूर्वात्, कृतात् खरीदने को कहा जाता है, करण पूर्वात् किसी के माध्यम से, तो वस्त्रेण क्रीता इति वस्त्र कृति, यहाँ पर भी गिंश का प्रयोग होता है। और अभाव में जब करण धन क्रीता, वहाँ पर टाप का ही प्रयोग होता है। गिंश के ही प्रकरण में चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 54 नंबर सूत्र है, स्वांगात चोपसर्जनात असंयोग उपधात। स्वांगवाची शब्द से और च उपसर्जनात अनुपसर्जनात असंयोग उपधात, जहाँ पे संयोग उपधा में ना हो और अनुपसर्जन रूप शब्द हो और स्वांगवाची शब्द हो, ऐसे में भी गिंश प्रत्यय का प्रयोग विकल्प से होता है। यथा अतिकेशी, अतिकेश शब्द से गिंश लगाया अतिकेशी बना, और अभाव में टाप लगा के अतिकेशा, ऐसे ही चंद्रमुखी चंद्रमुखा। गिंश विधायक एक और सूत्र है, जाते स्त्री विषयादयोपधात, यहाँ पे जातिवाचक शब्द हो, अस्त्रीवाचक हो, स्त्री विषय ना हो और यकार उपधा में ना हो, तो भी गिंश प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीत्व की विवक्षा में होता है। जैसे तट पद से गिंश लगाने पे तटी बना, वृषल पद से गिंश लगाने पर वृषली बना, कट पद से की गिंश लगाने पर कठी बना, और बृहवृच बहुवृच शब्द से गिंश लगाने पर बहुवृचि बना। इतो मनुष्य जाते हैं, दाक्षी पद भी हमारा इसी प्रकार से गिंश के प्रयोग से ही बनता है। दाक्षी ह्रस्व विकार में जब गिंश का प्रयोग करते हैं तो दाक्षी रूप, दक्षस्य आपत्यम स्त्री दाक्षी। इसी प्रकरण में हम जिस प्रकार से हमने आ वर्ग पढ़ा, ई वर्ग पढ़ा, अब हम ऊंग प्रत्ययों की सहायता से भी जो स्त्रीवाची ऊंग प्रत्यय हैं उनमें कौन कौन से शब्द हमारे बनते हैं ऊंग प्रत्ययों की सहायता से, उसको आगे पढ़ते हैं। ऊंगुतः सूत्र है, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 66वां नंबर सूत्र है, क्रूर अपत्यम स्त्री कुरु, कुरु पद से ऊंग प्रत्यय लगा के दीर्घ में कुरु इस प्रकार से रूप बनता है ऊंग प्रत्यय लगा के। ऐसे ही पंगोश्च भी, पंगु पद से ऊंग प्रत्यय लगा के पंगु हो, दीर्घ का उकार होके पंगु रूप बनता है। संहित सफल लक्षण वामादेश्च, यहाँ पे भी संहिता पद से उरु पद प्रत्यय लगा के संहितोरु, शफ से शफोरु, लक्षण से लक्षणोरु और वाम से वामोरु, ये रूप भी स्त्रीत्व के विवक्षा में बनते हैं। फिर हमारे पास गीन प्रत्यय लगाता है, गीन प्रत्यय प्रत्यांत पद हैं कुछ जो कि बनते, जिसके लिए सूत्र है शारंगरवाद शारंगरवाद्यो गीन, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 73वां नंबर सूत्र है, शारंगरव गीन से शारंगरवि बना हमारा, वैद पद से गीन प्रत्यय लगा के वैदी बना, ब्राह्मण से गीन लगा के ब्राह्मणी बना। इसी प्रकार ति प्रत्यांत पद से भी हमारा स्त्रीवाचक शब्द बनता है, जैसे यूनस्ति रूप सूत्र उसके लिए है, युवन शब्दात स्त्रियां ति, स्त्रीत्व की विवक्षा में युवन शब्द से जो है ति प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए, युवन धन ति युवती, और यहाँ पे युवन के नकार का न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से लोप हो जाता है। आशा करती हूँ आपको इस पाठ में स्त्री प्रत्ययों का प्रबोध, स्त्री प्रत्यय के विषय में जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगा होगा, एवं आप अष्टाध्यायी का पारायण करें और आप और भी इसको बृहद रूप से समझने के लिए सिद्धांत कौमुदी की भी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।